हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ही नॉर्मल होने वाला है। मैं आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये जो अभी मैं हूँ, ये देख सकते हो आप, मैं अभी जहाँ पे हूँ ये है तीन आली, ये है छोटो वाशिलिंग टू, और उस तरफ लेफ्ट साइड जो होता है उस तरफ से जाता है पानी मोर, और उस साइड है ड्यूमपरा, और इस तरफ से जाता है थाइजुआरी ब्लॉक बाजार, और आप इस रास्ते से हाफलोंग भी जा सकते हो। अच्छा, आप लोग वो विकास छेत्री यूट्यूबर को तो जानते होंगे, उसका यूट्यूब नाम आई लव ट्रैवल एंड फूड के नाम से दिया हुए। जब वो लोग आए थे इस रास्ते पे, मतलब कैसे आया होगा वो लोग, रास्ता के कंडीशन देखिए, मुझे मतलब बहुत डर सा लग रहा है कि वो लोग इतना रिक्स लेके इस रास्ते से गया हाफलोंग, वो भी रात के टाइम पे। बाप रे, मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगा ऐसे रास्ते में। तो मुझे पैसे तेज भेजेगा तभी मैं जाने को राजी नहीं हूँगा इस रास्ते में, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। ये देख सकते हैं पीछे, ये बहुत ही छोटा रास्ता है और रास्ता ख़राब भी है। जब भी उधर से बड़े ट्रक आ रहे होते तब तो साइड देने के लिए भी जगह नहीं होती है बाइक के लिए, इसलिए ये बहुत डेंजरस रास्ता है। और ये आप लोग देख सकते हो उस साइड टू वे रोड, जब भी आप लोग उस तरफ से पानी मोर आते होंगे तो तब ये आप लोग को बहुत संभल के आना है, क्योंकि रास्ते में बहुत टर्निंग है और जो ड्राइवर लोग होते हैं ना, वो लोग इतना ध्यान नहीं देते रास्ते में। बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो चुका है इस रास्ते में। कल परसों ही मैंने एक देखा था, बाइक और कार के साथ टक्कर हो गया है। तो आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देके चलाना है जब भी आप इधर पानी मोर के लिए आएंगे तब। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, जब आप लोग जाना चाहेंगे तो आप लोग उधर लंका लामदे होके जा सकते हो। उधर रास्ते भी बहुत अच्छा है, इस तरफ से आने से ये रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत डेंजर है। अगर आप लोग अपने जाना चाहते हो तो उस तरफ से चले जाइए। तो अभी आते हैं अपना मेन पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, ये मेरा बाइक ख़राब हो चुका है। मुझे भी मतलब मालूम नहीं हुआ था कि ये बाइक ख़राब हो चुका है, मतलब बहुत ही सीक्रेट तरीके से ये बाइक ख़राब हुआ है। जब भी मैं ऑफ रोडिंग जाता हूँ तो ये हैंडलिंग मुझे कंट्रोल नहीं होता है। मुझे तभी पता चला जब मैंने दोस्त का बाइक चला कर देखा तो उसका हैंडल बहुत ही स्मूथली चलता है। अब मैं अपना गाड़ी में स्विच किया तो मेरा गाड़ी बहुत ही ऑफ रोडिंग करने में दिक्कतें आ रहा था, ऑफ रोडिंग नहीं कर पा रहा था। तो मैंने वहाँ मेकर में जाके पूछा, वो बोला है कि मेरा इस हैंडलिंग में कुछ ख़राबी आ गई है, तो उसी को मैं बनाने के लिए अभी जा रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता है, ऑफ रोडिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, आपका हैंडल कंट्रोलिंग नहीं होता है, तो आप लोगों को भी पूछ लेना चाहिए कि मेरा भी इस तरह से एक दिन ऑफ रोडिंग करते समय एक्सीडेंट हो गया था। मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ था कि ये बाइक ख़राब हो चुका है। तो मैं अभी बनाने के लिए ले जा रहा हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरा ये जो है बनता है। उसमें वो बोल रहा था कि इसमें जो बॉल होता है उसे चेंज करना होगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं। मैंने जो है अपना बाइक जो है वो बनवा लिया है। वो ऐसा कुछ नहीं था कि पहले वाला मेकर जो था वो बोल रहा था कि मेरा हैंडलिंग में प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझे थोड़ा बेवकूफ़ बना रहा था, वो वहाँ बोल रहा था कि 400 रुपया लगे, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अभी आज शाम को जाके दूसरा मेकर से देखा तो उन्होंने बोला कि टायर पंचर हो चुका है। तभी मुझे मालूम हुआ कि मैंने देखा से वो सही बोल रहा था कि टायर पंचर हो चुका है, मुझे मालूम नहीं था। मेरा बैक सेट का टायर जो है उसमें एक अल्पिन का गोदाल घुस गया, उसकी वजह से पंचर हुआ। इतने दिन से मेरा ध्यान उसमें नहीं गया, मुझे लग रहा था कि टायर में हवा है, ट्यूबलेस टायर, इसलिए टायर भी थोड़ा बड़ा साइज का है, इसलिए मुझे मालूम नहीं हुआ था कि मेरा बाइक का जो है वो पंचर हो चुका है।
ट्यूबलेस टायर जो है ना, जब भी पंचर होता है, हवा निकल जाती है, उसे पकड़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। तभी मैंने अपना जो बाइक का डॉक्टर है उसके पास लेके गया, डॉक्टर मीन्स मैकेनिक के पास लेके गया, और उन्होंने प्रॉब्लम बता दिया, वो भी जीटी वाला प्रॉब्लम बता दिया। तो उस दिन मैंने बनवा ले लेते, वैसे ही मेरा 400 रुपये का चौपट हो जाता। उस दिन मैंने वहाँ मेकर के पास नहीं दिया, उस दिन मेरा पास समय भी नहीं था, तो मैं घर चला आया और आज क्या था, तो उन्होंने नया प्रॉब्लम बता दिया। मुझे भी वही प्रॉब्लम सही से लगा। मैंने फाइनली अपना टायर जो है वो ठीक करवा लिया है। कभी भी आपके साथ ऐसा होगा तो आप भी तुरंत जाओ और अपना बाइक का मैकेनिक के पास ले जाओ और प्रॉब्लम के बारे में जान लो, क्योंकि आपके साथ कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और एक बार छोटा मोटा मैकेनिक के पास नहीं लेके जाना है, एक्सपीरियंस वाला मैकेनिक के पास ले जाना है। छोटा वाला मैकेनिक जो है उसको इतना बाइक के बारे में नॉलेज नहीं होता है, वो किसी प्रॉब्लम के बारे में बता के आप लोगों से बहुत चार्ज ले सकता है। तो आप लोगों को सही मैकेनिक पास ले जाना है, वो लोग सही प्रॉब्लम जो है उसे पकड़ के सॉल्व करके देगा आपको। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट अपना वीडियो में।